आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सीसी रोड, जिम्मेदारों की मौजूदगी में नाबालिग मजदूर कर रहा है मजदूरी। ठीकरी के समीप ग्राम जरवाह में मनरेगा व 15वां वित्तीय से सीसी रोड का कार्य चल रहा है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिसमें एस्टीमेट के हिसाब से सीसी रोड का काम नहीं हो रहा है। सचिव के बताए अनुसार यह सीसी रोड 4 इंची बेस व 4 इंची स्लैब होना चाहिए, लेकिन मौके पर बन रहे सीसी रोड की कहानी कुछ अलग है। यहां 4 से 6 इंची सीसी रोड ही निर्माण हो रहा है, वही ग्रामीणों में आक्रोश है। जब मौके पर मौजूद जरवाह ग्राम पंचायत सचिव संतोष यादव से पूछने पर पाया कि कोई नाबालिग मजदूर नहीं है, सचिव के द्वारा साफ झूठ बोलते हुए नहीं कहा गया। साथ ही बाहर से आए मजदूरों के द्वारा मजदूरी कराई जा रही है, इस बात को लेकर सचिव संतोष यादव ने कैमरे पर मौके पर मौजूद होने के बावजूद झूठ पर झूठ बोला। क्या जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से झूठ बोलकर बचते रहेंगे? वहीं उच्च अधिकारी इस कृत्य पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे या जिम्मेदारों के द्वारा लिपापोती कर इतिश्री कर देंगे? वही ग्राम पंचायत जरवाह में ऐसे कई कार्य है जिनकी जांच सूक्ष्म तरीके से होनी चाहिए, जिससे सरपंच और सचिव की दबंगाई से किए गए कार्य का आकलन किया जा सके। वही मनरेगा के तहत ग्राम के मजदूरों को मजदूरी की पहली प्राथमिकता देनी थी। ठीकरी जनपद सीईओ एके जैन ने बताया कि कार्य की जानकारी के लिए मैं इंजीनियर को अवगत कराकर मौके पर भेजता हूँ, लेकिन खबर लिखने तक इंजीनियर साहब मौके पर नहीं पहुँचे। क्या नाम है भैया? नरेंद्र वर्मा। कहाँ रहते हैं? जरवा ब्राह्मण मोहल्ले में। अच्छा, यहाँ खरंजा निर्माण हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सीसी रोड बन रहा है हमारे यहाँ कंक्रीट का, तो सचिव जी ने हमने पूछा था मंत्री साहब से कि 8 इंची का बन रहा है, पर कहीं जगह 4 इंची, कहीं कहीं जगह 6 इंची बन रहा है, और नालियाँ भी सही तरह से बन नहीं रही है। ठीक है। और 2 दिन में काम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि अधिकारी आ नहीं सके छुट्टी के कारण। अच्छा, आपका कहना ये है कि छुट्टी है, छुट्टियों में काम इसलिए लिया गया है कोई अधिकारी नहीं आ पाया? हाँ, इसलिए, और सही तरह से काम नहीं हो रहा। ठीक है। कहाँ, किस पद पर पदस्थ हैं आप? ग्राम पंचायत भैया, खरंजा निर्माण हो रहा है, इसका बेस कितना होना चाहिए और स्लैब कितने के होने चाहिए? बेस होना चाहिए 4 इंच और फिर 4 इंच। यहाँ तो 2 इंची भी बेस नहीं है और 3 इंची खरंजा नहीं है, स्लैब नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? एस्टीमेट के हिसाब से भैया, एस्टीमेट बोल रहा है 8 इंची होना चाहिए, लेकिन जमीन पे 8 इंची नहीं है, यहाँ तो 4 इंची है टोटल। तो 8 इंची कब आएगा? स्लैब तो डल चुकी है, उसके बाद कोई जलता है क्या? 8 इंची का आएगा। अच्छा, यहाँ पर मजदूर भी बाहर के काम कर रहे हैं, चूँकि मनरेगा में भी हिस्सेदारी है, तो फिर यहाँ बाहर के मजदूर काम कर रहे हैं? बाहर के मजदूर आए नहीं भैया, वही एक नाबालिग भी यहाँ काम कर रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? नाबालिग है। अच्छा, नाबालिग नहीं है। ठीक है।